Hey guys, my name is Shakib और आप देख रहे हो techgroup.com। So guys, इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम लोग अनबॉक्सिंग और फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन Realme C1 2019 एडिशन का। So guys, ये रहा Realme C1 का बॉक्स। आपको Realme के यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, C1 यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड में आपको सेम Realme C1, इस साइड भी सेम, और पीछे में आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। और अच्छी बात ये रहती है कि सार वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया जाता है जो कि आपको ऑप्टिमम लेवल पे है, और IMEI नंबर है, छुपा लेता हूँ, कोई बात नहीं। और गाइस, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। रियलमी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं। बेसिकली इनका आपको मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो ग्रेटर नोएडा में। सो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स का रैपर खोलने के लिए मैं अपना निंजा टेक्निक यूज करूँगा, पुराना वाला। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये प्रॉपर बॉक्स जो आपको रियलमी के सारे फ़ोन में मिल जाता है वैसे। इसके अंदर आपको टीपू केस कवर होगा, और ये रहा इसमें आपको यूज़र मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड है इसमें। सो इसको यहाँ पर रख देते हैं अभी। और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। ओके, और ये रहा आपको प्रॉपर अपना डिवाइस रियलमी C1 2019 एडिशन। ब्लैक कलर में आपको बहुत ही कमाल का लग रहा है। इसको आप ओपन करता हूँ पहले। सो एंजॉय दिस साउंड। आगे आपको मिल जाएगा डाटा केबल और नॉर्मल अडैप्टर। तो इसको अब करते हैं साइड में। अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब बात करेंगे सीधा डिवाइस की। सो गाइस, अब कर लेते हैं Realme C1 को बूट। और ये इसका फर्स्ट बूट है तो आपको सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो पावर्ड बाय एंड्रॉइड, और नया वाला Realme का लोगो है ये। ये अच्छी बात है कि आपको नया वाला Realme लोगो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस, फाइनली Realme C1 को मैंने सेटअप कर लिया है कंप्लीट तरीके से, और बहुत सारा इसमें टेस्ट भी कर लिया अपना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक की, बिकॉज इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। इसकी जो प्राइसिंग है आपको 7,500 है 2+32GB वेरियंट की, और आपको 8,500 है 3+32GB वेरियंट की। सो गाइस, आप इसमें आपको स्टोरेज की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर बात करते हैं इसके आपको फेस अनलॉक की, तो काफ़ी फास्ट, मुझे काफ़ी फास्ट लगा, आप देख लो एक बार। इट्स क्वाइट फास्ट फॉर द प्राइसिंग, ही काफ़ी अच्छा है। और आपको Realme U1 की जैसे जैसा ही है, आपको Realme के जितने भी फ़ोन है उसका फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। एक बार और नाइस। और गाइस, अगर बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस की, तो आपको सब मिल जाएगा Realme का टिपिकल कलर OS 5.1। कलर OS आपको गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मैं उसका फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें आपको 3-4 प्री लोडेड एप्लीकेशन मिलते हैं, और थैंकफुली वो सारे के सारे अनइंस्टॉल हो सकते हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल की स्टोरेज की, जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको एंटरटेनमेंट बेस्ड फ़ोन है जिसमें आपको स्टोरेज की ज़रूरत होने वाली है। तो अगर स्टोरेज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ पहले। सो इसमें आपको मिल जाएगा 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें आपको तकरीबन से 20.9 यानी कि 21GB पूरा का पूरा फ्री मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारा आप इसमें स्टोरेज कर सकते हो। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये आपको एक बैटरी एफिशिएंट फ़ोन भी होने वाला है, जस्ट बिकॉज इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 है, जो कि आपको बहुत कमाल का चिपसेट नहीं है, लेकिन आप प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा वो चिपसेट है। स्नैपड्रैगन 450 बहुत सारी कंपनियों ने तो 13,000 रुपये में दिया है, मोटोरोला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर बात करते हैं इसके बैटरी की, तो आपको 4230mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि आपको तकरीबन से 18-19 घंटे लगातार म्यूजिक सुन सकते हो। आप आराम से 10 से 12 घंटे मूवी देख सकते हो उसके ऊपर फुल चार्ज पे, और गेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन गाइस, आपको हाई एंड गेमिंग जैसे कि पबजी वबजी में चल तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कमाल का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सो आई रिकमेंड कि आप उसके लिए आप इस मोबाइल को मत ही लो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। और गाइस, अगर बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा सैंपल्स मैंने लिए हैं, आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, लेकिन एक कैमरा फोटो आपके सामने लेता हूं। और HDR इसमें ऑटो HDR है, जो कि इतनी कम प्राइसिंग में ऑटो HDR बहुत कम लोग देते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं देता है। सो एक फ़ोटो मैं लेकर दिखाता हूँ आपको। डिटेलिंग गाइस एक्सेप्टेबल है इस प्राइस पॉइंट में, और फोटो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा ये कंडीशन नहीं है इतना अच्छा फोटो का, मतलब रूम कंडीशन के लिए फोटोज हैं ये, और उसके हिसाब से ये फोटो काफ़ी अच्छी आई है। सो आप देख लोगे गाइस, नेचुरल कलर ही कैप्चर है, सो उसके हिसाब से ये फोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और मैंने आपको सेल्फी कैमरा भी लिया है, इसमें सेल्फी फोटोज भी लिए और रात की भी शॉट्स हैं इसमें, तो आपको मैं सब इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। और अगर बात कर लेते हैं गाइस इसके सेल्फी कैमरा की, तो 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और उसके हिसाब से ये फोटो काफ़ी अच्छी लेता है।
गाइस अगर बात कर लेते हैं मोबाइल के इंटरनल्स की तो आपको अबाउट फोन में जाकर दिखा देता हूं। सो सबसे पहले आपको यहां पे कलर ओएस का 5.2 मिल जाएगा, 5.2.1 लेटेस्ट वर्जन है ये। एंड्रॉइड का आपको वर्जन मिल जाएगा 8.1.0 एंड्रॉइड ओरियो। इसका मतलब आपको एंड्रॉइड पाई का जो अपडेट है इसमें तकरीबन से 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा। वैसे बजट फ़ोन है तो शायद टाइम लग जाता है। और आपके यहाँ पे रैम जो मेरे पास 3GB वेरिएंट है, और मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको 3GB वेरिएंट ही लो, क्योंकि आपको 3GB वेरिएंट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और डिवाइस स्टोरेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो दिसंबर का है। सो जनवरी वाला आपको शायद इसमें थोड़े दिन के बाद आ जाएगा। सो इस वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं ये मोबाइल कितना ज़्यादा वर्थ है। सो आपको Realme ने इस फोन को निकाला है एज एंटरटेनमेंट का बॉस सीरीज नाम से। और एंटरटेनमेंट का बॉस में आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा बैटरी। बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी 4230 mAh की, जो कि बहुत अच्छी बैटरी होने वाली है। इसमें आपको HD+ का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि आपको बैटरी इफिशियंट रहेगा और आपको एंटरटेनमेंट में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। कैमरा वाइज भी मोबाइल काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी आपको स्नैपड्रैगन 450 सारे के सारे गेम चला लेगा। जो मीडियम ग्राफिक्स वाले गेम होते हैं वो तो आराम चल जाएंगे। और अगर इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा के इसका जो स्टोरेज है वो भी बढ़ा सकते हो, इसका मतलब कि खूब सारा आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो इस मोबाइल में। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में मैं इसको कहूँगा सुपर वॉट मोबाइल है, और आपको लेना है तो पक्की बात ले लो, बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छा मोबाइल है 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो गाइस कुछ इतना ही था इस वीडियो के लिए, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और मोबाइल काफ़ी अच्छा है, वॉट है ले लो आराम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नए कंटेंट्स के लिए वेट करो। बाय।